मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो संपत्ति जी, आप दामोदर से मिलने कितने बजे पहुंचे? यही कोई 5:30-6 बज रहे। क्या देखा आपने? कमरे में कोई भी नहीं था और वहां पर दामोदर की लाश पड़ी हुई थी। फिर आपने क्या किया? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, वैसे आप दामोदर से मिलने क्यों गए थे? उसने मुझे फोन करके वहां बुलाया था। क्यों? दामोदर ने मुझे कहा था कि वो मुझे मेरे बाबा दुर्गा प्रसाद बैनर्जी और मेरी बड़ी बहन रूमा के बारे में कुछ बातें बताएगा। कैसी बातें? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, स्मृति के पिता और उनकी बहन से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर। दामोदर जो बातें स्मृति को बताना चाहता था, दिनेश राय को हो सकता था उससे कुछ खतरा हो। ऑब्जेक्शन ओवरruled। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो स्मृति जी, बताइए क्या बताने के लिए दामोदर ने आपको वहां बुलाया था? ये बताने के लिए कि मेरे बाबा का खून उसने नहीं किया था। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। स्मृति के पिता दुर्गा प्रसाद बनर्जी का कत्ल हुआ था और उस कत्ल के जुर्म में दामोदर को 25 साल की कैद हुई थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सरकारी पक्ष के वकील मुद्दे से भटक रहे हैं और बजाय दामोदर के कत्ल पे बात करने के, वे अदालत के 25 साल पुराने उस फैसले पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्ट। थैंक यू। अच्छा स्मृति जी, दामोदर ने खुद आपको फोन करके वहां बुलाया? जी। और ये बात कि आप दामोदर से मिलने वाली हैं, ये और किस किस को पता था? सिर्फ मेरे पति को मालूम थी ये बात। ये बात नोट की जाए योर ऑनर। स्मृति और दामोदर की मुलाकात के बारे में सिर्फ दीपक राय जानता था। इसमें नोट करने जैसी कौन सी बात है? एक पत्नी अपने पति को नहीं बताएगी कि वो कहां जा रही है तो क्या अपने पड़ोसियों को बताएगी? आड़ा आड़ा, पड़ोसियों को बताती तो शायद दामोदर आज जिंदा होता, क्योंकि उन्होंने दीपक राय को ये बात बताई थी और उन्होंने अपने भाई दिनेश राय को। इससे पहले कि स्मृति दामोदर से मिलने वहां पहुंचे, दिनेश राय वहां पहुंच गए और उन्होंने दामोदर को कत्ल कर दिया या करवा दिया। फिलहाल मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना यार। मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मिस्टर दिनेश राय के संबंध में कुछ दलीलें पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मिलॉर्ड, दामोदर गुहा जिसका कत्ल हुआ एक खतरनाक मुजरिम था और ऐसे मुजरिमों के कई दुश्मन होते हैं और हो सकता है कि उन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने दामोदर गुहा की हत्या की हो, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार जिस चाकू से दामोदर गुहा की हत्या हुई उस चाकू पर दिनेश राय की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। कत्ल के बाद उंगलियों के निशान मिटाए भी जा सकते हैं। मेरे काबिल दोस्त एक बात भूल रहे हैं कि मौका वारदात पर एक और सबूत बरामद हुआ था, अस्थमा के मरीज का पंप जिस पर कि दिनेश राय की उंगलियों के निशान भी हैं। मैं ये पंप और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश करना चाहता हूँ।